हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे इन दिस वर्चुअल क्लास और ऑनलाइन क्लास ऑल द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग क्लास 9 आर मोस्ट वेलकम बाय मी इंसान अली, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। Dear student, in my previous online class, you have read class 9, poet, chapter 2, poetry, wind. प्यारे बच्चों, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पोएट्री का 2nd चैप्टर विंड के विषय में आप लोगों ने पढ़ा। उसमें बताया गया कि कैसे हम वायु से मित्र बन सकते हैं, तेज वायु अगर बहती है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी। टुडे वी हैव टू रीड क्लास 9 सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड। द एडवेंचर्स माने होते हैं कुछ साहसिक कार्य ऑफ टोटो, टोटो के द्वारा। अब टोटो है क्या, क्योंकि कहानी में आप लोग जाएंगे तो पता ही चलेगा। बट हियर टोटो द नेम ऑफ ए मंकी। टोटो इस लेसन में एक मंकी का नाम है, एक बंदर का नाम है, उसी के विषय में यहाँ इस लेसन में पढ़ाया जाएगा कि टोटो है क्या। यू नो ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर सम ऑफ 5 रुपीज। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाई टू ए फीटिंग ट्रफ and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add aid the little fellow to his private zoo. इसमें एक grandfather जी हैं, वह इस टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपए में खरीदे थे। तांगे वाला छोटे लाल बंदर को एक नाद से बांध कर रखा करता था और बंदर वहाँ इतना अजीब लगता था कि वह दादाजी ने ये फैसला कर लिए कि वह इसे छोटे जीव, इस छोटे से जीव को अपने निजी चिड़ियाघर में रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, टोटो के विषय में पूरे अध्याय में बताया गया है। आप लोग देखिए अबाउट द आथर, यानी आथर माने लेखक के बारे में। सबसे पहले आइए लेखक के बारे में कुछ समझ लेते हैं। रस्किन बॉन्ड इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड प्रोलिफिक राइटर्स। रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 19 मई 1934 एट कसौली हिमाचल प्रदेश। उनका जन्म हिमाचल प्रदेश के कसौली नामक स्थान पर 19 मई 1934 को हुआ था। ही डिड हिज स्कूलिंग फ्रॉम शिमलाज बिशप कॉटन स्कूल। उन्होंने अपनी विद्यालयी शिक्षा शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से शुरू की। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हियर इन 1950। उन्होंने यहीं से यानी बिशप कॉटन स्कूल से ही 1950 में स्नातक की डिग्री हासिल किए। रस्किन बॉन्ड इज नॉट ओनली ए नावलिस्ट। रस्किन बॉन्ड केवल एक उपन्यासकार ही नहीं है, ही इज शॉर्ट स्टोरी राइटर, बल्कि वह छोटी छोटी कहानियों के भी लेखक हैं एंड जर्नलिस्ट एज वेल, और ठीक वैसे ही एक पत्रकार भी हैं। ही वॉज अवार्डेड द साथिया सॉरी
ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992। उन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया एंड द पद्मश्री इन 1999 और 1999 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया या पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सम ऑफ हिज वर्क्स आर रूम ऑन द रूफ, उनके कुछ वर्क हैं जैसे रूम ऑन द रूफ, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा, द लास्ट टाइगर, द ब्लू अम्ब्रेला एटीसी। उनकी कुछ कृतियां हैं, उन कृतियों में रूम ऑन द रूफ, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा, द लास्ट टाइगर, द ब्लू अम्ब्रेला इत्यादि, ये सब उनकी कृतियां हैं। दीज डेज ही इज लिविंग विथ हीज एडॉप्टेड फैमिली एट मसूरी, इन दिनों वह मसूरी में गोद लिए गए परिवार के साथ रह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा अबाउट द ऑथर के विषय में, यानी रस्किन बॉन्ड, एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। उनका जन्म 19 मई 1934 को कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ था। वह बिशप कॉटन स्कूल शिमला से शिक्षा अर्जन किए और वहीं से 1950 में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। रस्किन बॉन्ड केवल उपन्यासकार ही नहीं बल्कि शॉर्ट स्टोरी राइटर और जर्नलिस्ट भी हैं। उन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके कुछ कार्य, उनकी कुछ कृतियां, रूम ऑन द रूफ, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा, द लास्ट टाइगर, द ब्लू अम्ब्रेला इत्यादि हैं। इन दिनों वह अपने गोद लिए हुए परिवार के साथ मसूरी में रह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह तो रहा अबाउट द ऑथर के विषय में, राइटर के विषय में, लेखक के विषय में। अब आते हैं अबाउट द स्टोरी, यानी इस कहानी के विषय में कि राइटर किन के ऊपर अपनी कृतियाँ लिखी हैं, उसी के विषय में आते हैं। अबाउट द स्टोरी, कहानी के विषय में, ए ग्रैंड फादर हु इज फोंड ऑफ एनिमल्स बाइज टोटो ए मंकी फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज। ए ग्रैंड फादर, एक दादाजी, हु जो इज हैं फोंड माने शौकीन, ऑफ एनिमल्स माने जानवरों का, बाइज माने खरीद लेते हैं, टोटो ए मंकी एक बंदर, फ्राम माने से, ए टोंगा ड्राइवर माने तांगे वाले से, फॉर 5 रुपीज माने 5 रुपये में। ए ग्रैंड फादर, एक दादाजी, हु इज फोंड ऑफ एनिमल्स, जो कि जानवरों के बहुत शौकीन हैं, जानवरों को पालने के बड़े उत्सुक हैं, बाइज टोटो ए मंकी फ्राम ए टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज। उन्होंने एक तांगे वाले से 5 रुपये में टोटो नामक एक बंदर खरीदते हैं। दादाजी जो कि जानवरों के बड़े शौकीन हैं, जानवरों के बड़े उत्सुक हैं, उन्होंने एक तांगे वाले से 5 रुपये में टोटो नामक एक बंदर खरीदते हैं। टोटो इज नाउ ए मेंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स जू, टोटो इज है नाउ अब ए माने एक, मेंबर माने सदस्य, ऑफ ग्रैंडफादर्स माने दादाजी के, जू माने चिड़ियाघर का। दादाजी जानवरों को पालने के इतने शौकीन थे कि उन्होंने अपनी खुद की एक चिड़ियाघर स्टेबलाइज कर लिए थे, मानो एक चिड़ियाघर बना लिए थे। टोटो इज नाउ ए मेंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स जू, टोटो अब दादाजी के चिड़ियाघर का एक सदस्य है, यानी उनके चिड़ियाघर में और सारे पशु पक्षी रहते थे,
अब उन्हीं में टोटो नामक बंदर चला गया तो वह भी अब दादाजी के चिड़ियाघर का एक सदस्य है। द ग्रैंड मदर डज नॉट लाइक एनिमल्स। द ग्रैंड मदर दादी माँ डज नॉट नहीं लाइक माने पसंद करती हैं एनिमल्स माने जानवरों। द ग्रैंड मदर डज नॉट लाइक एनिमल्स। दादी जी जानवरों को नापसंद करती हैं। दादी जी जानवरों को पसंद नहीं करती हैं। टोटोज प्रेजेंस फॉर दिस रीजन इज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम हर। चूँकि अब दादी जी जानवरों को नापसंद करती हैं द ग्रैंड मदर डज नॉट लाइक एनिमल्स। दादी माँ जानवरों को नापसंद करती थी। टोटोज प्रेजेंस, टोटोज माने टोटो की, प्रेजेंस माने उपस्थिति, फार के लिए दिस या रीजन कारण, इज है केप्ट माने रखा गया, सीक्रेट माने छुपे तौर से, प्राम हर माने उनसे यानी दादी माँ से। टोटोज प्रेजेंस टोटो की उपस्थिति, फार दिस रीजन इज केप्ट सीक्रेट प्राम हर, यही कारण था कि टोटो की उपस्थिति उनसे छिपे तौर से रखी गई थी। यही कारण था कि टोटो को उनसे छिपा कर रखा गया यानी इस रहस्य के विषय में दादी माँ को नहीं बताया गया। टोटोज प्रेजेंस फॉर दिस रीजन इज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम हर, यही कारण था कि टोटो की उपस्थिति उनसे छिपा कर रखी गई। टोटो कीप्स ऑन मेकिंग मिसचीफ्स एंड देन एट लास्ट द ग्रैंड फादर इज फोर्स्ड टू गिव टोटो बैक टू इट्स प्रीवियस मास्टर द टोंगा ड्राइवर। टोटो जो टोटो नामक बंदर है कीप्स करता है ऑन मेकिंग मिसचीफ माने शरारत एंड और देन माने तब एट लास्ट अंत में द ग्रैंड फादर दादाजी इज हैं फोर्स्ड माने विवश बाध्य टू गिव माने दे देना टोटो टोटो को बैक माने वापस टू इट्स माने इसके प्रीवियस माने पहले वाले मास्टर माने मालिक द टोंगा ड्राइवर यानी टोंगा ड्राइवर से ही तांगे वाले से ही उन्होंने 5 रुपए में खरीदा था उस टोटो नामक बंदर को। टोटो कीप्स ऑन मेकिंग मिसचीफ। टोटो निरंतर शरारत करता रहता है एंड देन एट लास्ट और तब अंत में द ग्रैंड फादर इज फोर्स टू गिव टोटो बैक टू इट्स प्रीवियस मास्टर द टोंगा ड्राइवर। टोटो लगातार मिसचीफ माने शरारत करता रहता है और अंत में दादाजी इसे टोटो के पहले वाले मालिक अर्थात टोंगा वाले को वापस दे देने पर बाध्य हो गए। इसलिए दादाजी ने उसे उसके पुराने वाले मालिक यानी पहले मालिक तांगे वाले को पुनः वापस लौटा देने को बाध्य हो गए, विवश हो गए। तो यह थी अबाउट द स्टोरी यानी दादाजी एक मंकी टोटो नामक मंकी खरीदते हैं क्योंकि वह जानवरों को पालने के बड़ा शौकीन है, बहुत उत्सुक रहते हैं। इसलिए उन्होंने एक तांगे वाले से 5 रुपए में टोटो नामक बंदर खरीद लेते हैं। अब टोटो दादाजी के चिड़ियाघर का एक सदस्य बन गया था। दादी माँ जानवरों को नापसंद करती थी, यही कारण था कि टोटो की उपस्थिति उनसे सीक्रेट रखी गई, उनसे छिपा कर रखी गई। टोटो बारंबार शरारत करता रहता है इसलिए अंत में दादाजी उसे उसके पुराने वाले मालिक यानी तोंगे वाले को पुनः वापस दे देने को विवश हो गए, बाध्य हो गए। तो डियर स्टूडेंट, इसमें द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के विषय में पढ़ना है, टोटो के कुछ कार्यों के विषय में पढ़ना है। आइए फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आइए इस स्टोरी का फर्स्ट पैराग्राफ। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़।
ग्रैंडफादर दादाजी बाट माने खरीदे टोटो टोटो नामक बंदर को फ्राम माने से ए टोंगा ड्राइवर माने तांगे वाले से फॉर सम ऑफ 5 रुपीज कुछ 5 रुपये में ग्रैंडफादर बाट टोटो फ्राम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से कुछ 5 रुपये में खरीदे थे द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड आप ए फीडिंग ट्रफ एंड द मंकी लुकड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंड फादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू द टोंगा ड्राइवर तांगे वाले ने यूज टू कीप रखा करता था द लिटिल छोटे रेड मंकी लाल बंदर को टाइड माने बांधना टू ए फीडिंग ट्रफ में से होता है जहाँ जानवर खाते हैं जिसे हम नाद कहते हैं एंड और द मंकी बंदर लुक्ड माने दिखता था सो आउट ऑफ प्लेस स्थान बिल्कुल निर्जन स्थान या स्थान से बाहर देयर दैट की ग्रैंडफादर डिसाइडेड माने निश्चय किए ही माने वह उड माने गागेगी एड माने जोड़ देना द लिटिल माने छोटे से फेलो माने साथी को टू हिज माने अपने प्राइवेट माने व्यक्तिगत जू माने चिड़ियाघर द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ तांगे वाला छोटे लाल बंदर को एक नाद से बांध कर रखा करता था एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट और बंदर वहाँ इतना अजीब लगता था कि ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू कि दादाजी ने यह फैसला किया कि वह इस छोटे से जीव को अपने निजी चिड़ियाघर में रखेंगे एक बार पुनः देख लीजिए ग्रैंडफादर बाट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपये में खरीदे थे द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ तांगे वाला छोटे लाल बंदर को एक नाद से बांध कर रखा करता था एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट और वह बंदर वहाँ इतना अजीब लगता था कि ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू कि दादाजी ने यह फैसला किया कि वह इस छोटे से प्राणी को अपने निजी चिड़ियाघर में रखेंगे तो डियर स्टूडेंट यह रहा आपका फर्स्ट पैराग्राफ शॉर्ट स्टोरी आर सप्लीमेंट्री द एडवेंचर ऑफ टोटो से आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन इफ यू मे फाइंड एनी टाइप्स ऑफ बादरेशन एनी टाइप्स ऑफ डाउट देन प्लीज कॉन्टेक्ट मी Thank you.